मानसून की पहली बारिश से ही शहर के निचले हिस्सों में पानी का भराव और नाले हुए और फुल। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह। मानसून की पहली बारिश कल देर रात को हुई और उसमें पहली बारिश से ही नाले और फुल हो गए और शहर के निचले हिस्सों की बात करें तो उसमें पानी का भराव होना शुरू हो गया है पहली बारिश से ही और उसमें नाले और फुल भी होने शुरू हो गए। बात करें सब कृषि मंडी के आगे की, रामनगर की और संदरी चौराहे की और चामुंडा चौराहे की, जहां पर पहली बारिश से ही है जो नाले और फुल होना शुरू हो गए हैं और उसमें पानी का भराव होना शुरू हो गया है। नगर परिषद लगातार कोशिश करता है, तमाम कोशिश उनकी नाकाम रहती है। यह एक बार की बात नहीं है, प्रत्येक बारिश की बात है। कई वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा है जिसमें थोड़ी सी बूंदाबांदी से ही पानी का भराव हो जाता है और लोगों का आवागमन तक ठप हो जाता है। अब बात करें मानसून की पहली बारिश हुई है और पहली बारिश में ही आप हालात देख सकते हो कि सड़कों पर पानी इस कदर बिखर गया है कि लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है। नगर परिषद लगातार वादे करता है कि हम सफाई करते हैं, हम नालों के लिए पैसे खर्च करते हैं, परंतु वह पैसे कहाँ जाते हैं आज तक किसी को पता नहीं चला है, क्योंकि प्रत्येक बारिश में यही हालात रहते हैं, हर मानसून में भी यही हालात रहते हैं। जो अपने नगर परिषद क्षेत्र में नाले की सफाई का है तो 1 मई से अप्रैल से इस मामले को लेकर नगर परिषद बाड़मेर में भी सफाई का स्टार्ट की गई है और लगभग जो मेन नाले हैं 12-13 नाले हैं, मुख्य नाले हैं, उनकी लगभग सबकी 10-11 नालों की सफाई हो चुकी है। 2 नाले रह गए हैं आपके, एक तो चामुंडा चौराहे से सिंधी सर्किल तक और एक सिंधी सर्किल से कोडला तक, ये एक नाला ये रह गया है और दूसरा रह गया है अपने मल्लीना सर्किल से और हरलाल छात्रावास की तरफ जाता है। ये 2 नाले रह गए हैं सफाई के लिए, इनमें आज भी नाले की सफाई चल रही है। पेड़ पौधों के लिए जैसे हमें सरकार से टारगेट मिले 20,000 पेड़ पौधे लगाने हैं, पर हमने प्लान बनाया कि हम 25,000 लगाएँ, तो हमने जिसमें SP साहब से बात करी तो पुलिस फायरिंग रेंज में, BSF से बात करी तो 10,000 पौधे उनने मांगे हैं और हम अपने नंदीसाला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट वहाँ पर STP प्लांट पे अपना स्टेडियम है और जो स्मृति वन है उसमें भी हमें 2 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट वाले दे रहे हैं, तो वहाँ उसमें भी हम पेड़ पौधे और हमारे जनप्रतिनिधि चेयरमैन साहब, पार्षद महोदय, अन्य कोई समाज संगठन कोई जो लगाना चाहे उनको भी हम पौधारोपण उपलब्ध कराएंगे। रोड साइडों में अपन पौधारोपण के लिए जैसा अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमने ट्री गार्ड की व्यवस्था की है, तो ट्री गार्ड बनवा रहे हैं, तो जो रोड साइड में होंगे उन ट्री गार्ड के जरिए पेड़ पौधे लगवाएंगे। स्टेडियम जो नया ऑडिटोरियम हॉल बन रहा है वहाँ पे भी पेड़ पौधे लगाने की व्यवस्था की जा रही है। सर, यातायात के लिए कल डिप्टी साहब भी आए थे, उनसे बात करे थे कि रोड पे अतिक्रमण ज़्यादा है तो नगर परिषद के साथ मिलकर करेंगे, क्या है इसके लिए? हमने टीम बना दी है, हमारा RI और भगवंत CSI और जो 3 जमादार जो ऑफिस में रहते हैं उनकी टीम बना दी है और कल परसों से अपन विजिट करेंगे साथ में और जो गाड़ी नगर परिषद द्वारा उनको दी गई है उसके जरिए उठाने का काम शुरुआत करेंगे।